कान खोलकर मौसम का समाचार सुन लीजिए। ये जो सूरज की रोशनी है वो गायब हो जाएगी दोस्तों, और उसकी जगह कुछ अंधेरा सा छा जाएगा। बबलू डब्लू पहाड़ के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगेंगे, और ऊपर वाला झूठ न बुलवाए, भयानक आंधी और तूफान हमें घेर लेंगे। ये सब और खतरनाक हो सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहिएगा। इस तूफान में किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, कब हमें फिर से नीला आसमान दिखेगा, मौसम की जानकारी देना ही नहीं आता। पागल है वो तो एकदम, उन्हें ये काम किसी और को दे देना चाहिए। अब मैं अपनी गाड़ी चलाने की खूबी के बारे में क्या बताऊं? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। चलो पेड़ काटने के लिए चलता हूँ। ये लखा का ट्रक है ना? मैंने पूरी जिंदगी में इतना बुरा ट्रक चलाने वाला नहीं देखा। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो ट्रक लेकर जा कहाँ रहा है? हाँ, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मुझे जाकर भालू को बताना होगा। ये तो सही है। अगर मैं सर को 100 और पेड़ भेजूंगा तो मुझे और पैसा मिलेगा। अरे हाँ, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। कितना मजा आएगा फिर तो। वो फिर से आ गए, आप क्या करेंगे बालो भाई? अरे एक सेकंड रुको, कुछ तो अलग लग रहा है। शायद मेरे कान बज रहे होंगे, रात को मुझे काफी नींद नहीं मिली थी। अरे मेरी टोपी कैसे आ गए? लखा के बच्चे, आप क्या चाहिए तुम्हें? तू कभी सुधरेगा नहीं लखा, और हमने बहुत सहन कर लिया। हाँ बोलो कुछ जल्दी में। और कुछ चला ही नीचे से उड़ रहा है, जरूर काले बादलों को देखो भाई। भाग रही हैं और पतंगे भी उड़ रहे हैं नीचे से, मतलब बड़ा तूफान आ रहा है। सच बोल रहा हूँ भाई। बबलू हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। लखा पेड़ काटना बंद करो। ये भालू तो मुझे पागल करके रख देंगे, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बाबलो डाबलो कंधे बालू गए के कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पकड़ने आए थे ना तुम? वहीं पे रुके रहो। मुझे एक नई आरी खरीद के दो। वो छोड़ जाओ, अजीब आदमी की कभी हार नहीं मानेगा। उसने जैसे तय कर लिया है। क्या कर रहे हो? उस तरफ चलते हैं। ठीक है। ये कहाँ चले गए? अरे वाह, चुप जा तुम दोनों। भाई वो हमारे पीछे ही है। ये मेरी छतरी आ रही है जो तुमने बर्बाद की है, अब मैं बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारे साथ वैसे ही हो रहा था। अरे भाई बबलू, छोटे क्या तुम ठीक हो? भाई ठीक हो, लेकिन क्या मुझे लगा कि मैंने लखा को पहाड़ के नीचे ढकेल दिया। ए लखा, ए लखा, कहाँ तुम लखा? ए लखा, ए लखा, ए लखा, कहाँ तुम?